हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी। वेलकम बैक टू आवर ड्रीमलैंड चैनल। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, फैमिली के साथ होंगे और हमेशा की तरह बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी ये गार्डन आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये गार्डन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और किस तरह से देखिए, फूल खिला हुआ है, ढेरों सारे फूल देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी देखने को मिल जाएगा। और ये टेरेस गार्डन है, पॉट को किस तरह से अरेंज किया हुआ है वो भी देखने को मिल जाएगा, तो एक आइडिया मिल सकता है, इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो गार्डन है, ये मेरे गार्डन तो नहीं है, ये मेरी एक दीदी का गार्डन है, देबोर्षी दी का गार्डन है। और वो मेरा फ्रेंड बोल सकते हैं, दीदी बोल सकते हैं और मेरा यूट्यूब फैमिली मेंबर भी बोल सकते हैं, तो उनका ही गार्डन मैं दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ छोटे ड्वार्फ वैरायटी के एक्जोरा के साथ। और उसके बाद यहाँ पे कुछ हिबिस्कस लगे हुए हैं, साथ में कनेर भी है जिसमें छोटे छोटे वाइट कलर का फ्लावर खिला हुआ है। साथ में यहाँ पे है चांदनी, देखिए ढेरों सारे कलिया है और कुछ फ्लावर भी है। यहाँ पे है बोगनवेलिया वाइट कलर का, ये देखिए कितने सारे प्लांट अभी दिख रहा है, और भी बहुत सारे प्लांट दिखाना बाकी है। फिर भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे हिबिस्कस देखने को मिल जाएगा, और दीदी को हिबिस्कस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वैसे सभी प्लांट्स पसंद है। यहाँ पे है ब्लू डेज का प्लांट, और साथ में देखिए कितने अच्छे से अरेंज किया हुआ है। और ये टेरेस गार्डन है, मैंने पहले भी बोली है, तो देखिए इस तरह से है, ये देखिए पूरा भरा पड़ा है, ग्रीनरी आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रोटन है, एग्लोनिमा है, और जो स्टैंड है देख पा रहे हैं इस तरह से है। सामने है कुछ जेट प्लांट जो कि ग्रीनरी ऐड करते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। और यहाँ पे सिंगोनियम है, एग्लोनिमा है, और हैंगिंग प्लांटर देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। ये है डम्पकिन का प्लांट, और यहाँ पे और एक डम्पकिन है। साथ में ये देखिए, ये जो हैंगिंग प्लांटर है ये बहुत ही अच्छा लगता है, और वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है इस तरह का हैंगिंग प्लांटर। और कलर भी बहुत सुंदर है, तो गार्डन में कलर भी ऐड करते हैं इस तरह का हैंगिंग प्लांटर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जनाडू जो कि फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है। और साथ में यहाँ पे जितने भी प्लांट देख रहे हैं, क्रोटन है, फिर एग्लोनिमा है, तो ये सभी लो मेंटेनेंस प्लांट है और पार्शियल शेड में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। सिर्फ जो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट है वही इसके लिए काफ़ी होता है, तो इसीलिए इसको शेड के नीचे रखा गया है, ताकि जो 12-1 बजे का धूप होता है वो इसको ना लगे, लेकिन सुबह का जो धूप है वो तो अच्छा ही होता है। और देखिए प्लांट कितना हेल्दी है, और पत्ते भी देख रहे हैं कितना सुंदर है। तो कहाँ पे रखूँगी, कौन सा प्लांट कौन सा जगह में रखना है, ये भी सोच समझ के ही हम सबको रखना चाहिए, ताकि प्लांट जो है वो हेल्दी रहे, दिखने में अच्छा लगे। और ये जो सभी प्लांट्स है, ये सिंगोनियम की और एक वैरायटी है, तो ये सभी प्लांट्स ना बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, और एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनडोर प्लांट ही है, क्योंकि इंडोर प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए यहाँ पे है क्रोटन, सॉन्ग ऑफ इंडिया, मनी प्लांट, तो ढेरों सारे प्लांट्स हैं। पीछे रबर प्लांट भी दिख जा रहा है, और सामने है एग्लोनिमा। और आप सबके साथ ही मैं इतने सारे प्लांट्स एक साथ देख रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक ये गार्डन सामने से तो नहीं देखी हूँ। दीदी ये जो वीडियो है मुझे करके भेजे है, थैंक यू सो मच देवश्री दी, तुम्हें एत सुंदर एत भलो कष्ट हमारे वीडियोगलो तैरी कर।
और बहुत दिनों से दीदी मुझे बोल रहे हैं जाने के लिए, गार्डन को देखने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और जो मेरा रेगुलर व्यूअर्स है सभी जानते हैं मैं न्यूली मैरिड हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा बिजी रहती हूँ अभी, तो इसीलिए नहीं हो पाया है। लेकिन बहुत जल्दी मैं जाऊँगी, दीदी को मैंने बोल भी दी है, थोड़ा सा ये जो सिचुएशन है थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर मैं बाद में जाऊँगी, और बहुत अच्छे से मैं ये गार्डन को देखना चाहती हूँ सामने से। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आप सबके साथ इस तरह से ही देख लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे है अरिका पाम, ये भी इंडोर प्लांट है, अब घर के अंदर भी रख सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। और देवोर्षिदी रहते हैं कोलकाता में, कोलकाता के बेहाला में, तो उनका गार्डन जो है टेरेस में ही है। और एक एक करके प्लांट दीदी लाते हैं और फिर उसको बहुत अच्छे से देखभाल करके अपने गार्डन में रखते हैं, वो तो ये सभी प्लांट्स देख के पता चल ही रहा है। देखिए कितने अच्छे से सजाया हुआ है पूरे गार्डन को, देखिए लग रहा है ये एक टेरेस गार्डन है, मुझे तो नहीं लग रहा है, वैसे बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए यहाँ पे हिबिस्कस भी खिला हुआ है, और दीदी का एक शौक है, दीदी फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही ज़्यादा ऐड करते हैं, वैसे फ्लावरिंग प्लांट नहीं सभी प्लांट्स लगभग ऐड करते रहते हैं, लेकिन हिबिस्कस का एक अलग सा कलेक्शन है दीदी के पास। देखिए कितने सारे हिबिस्कस है, तो इस तरह से ही है। और दीदी ये जो गार्डन है ये पूरा अकेला ही देखभाल करते हैं, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, अकेला ही जाते हैं, फिर नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं और फिर बहुत अच्छे से अपने गार्डन को सजाते रहते हैं। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट प्रतिमा नर्सरी से लाया गया है, और कुछ प्लांट जो है वो मैंटोन का जो रोड साइड शॉप है वहाँ से भी लाया गया है। तो ये देखिए ये है जेट्रोफा, बंगालीज इसको दत्तोप्रिया बोलते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन लगभग पूरे साल ही इसमें फ्लावरिंग होते रहते हैं, तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है। और ये प्लांट मुझे भी बहुत ही पसंद है, तो अभी देखती हूँ, मेरे गार्डन में भी नहीं है तो मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। और अगर कोई बेहाला से है या प्रतिमा नर्सरी विज़िट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा नर्सरी है। और ऊपर में देख रहा होगा यहाँ पे ग्रीन नेट दिया हुआ है, तो उसका एक अलग से डिटेल वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ कि किस तरह से ये किया गया है और कितना लगभग कितना इसके लिए खर्च हुआ है, तो वो सब मैं बाद में किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये देखिए ये है लैंटना, ये भी बहुत अच्छा प्लांट होता है और पूरे साल ही इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होते रहते हैं। और जो स्टैंड है वो भी बहुत अच्छा है, और स्टैंड भी प्रतिमा नर्सरी में मिल जाता है, तो शायद दीदी प्रतिमा नर्सरी से ही लिया है। तो प्रतिमा नर्सरी का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मैंटन का जो रोड साइड शॉप है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो वो भी मैं आई बटन में दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, अगर चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए और भी ढेरों सारे प्लांट्स देखने को मिल जाएगा, ये देखिए फ्लोडेंड्रॉन है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, और देखिए पॉट जो है कितने अच्छे से पेंट किया हुआ है, तो एक वेल मेंटेन्ड गार्डन है ये। और देखिए कितने सारे प्लांट्स को किस तरह से अरेंज किया है ताकि कम स्पेस में भी बहुत सारे प्लांट्स रख पाए, तो इसीलिए इस तरह से ही अरेंज किया हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए मुसंडा है, मुसंडा का बहुत सारे कलर मिलता है और ये कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, सबका नाम भी मुझे पता नहीं है, तो इस तरह से है। नीचे ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास भी दिख रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा लुक है। और यहाँ पे कुछ इंडोर प्लांट है, और जो मेरे जाने का अर्ज है वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा एक गार्डन जो देखने को मिल जाएगा सामने से, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ।
और बहुत जल्दी जाऊंगी, थोड़ा सा जो सिचुएशन है ठीक हो जाए फिर उसके बाद मैं ज़रूर जाऊंगी। और ये देखिए, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंडोर प्लांट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दीदी अलग अलग से इस तरह से ही सजा के रखे है। ये पोर्शन में इंडोर प्लांट है, और जो जहाँ पे हिबिस्कस दिखाई उस पोर्शन में जो फ्लावरिंग प्लांट है उसको रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन नेट दिया हुआ है तो इंडोर प्लांट के लिए तो ग्रीन नेट अच्छा होता है, लेकिन कुछ प्लांट है जो फ्लावरिंग प्लांट है ज़्यादा से ज़्यादा उस प्लांट के लिए ना फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इस तरह से ही सजाया गया है। और मुझे पता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के माइंड में अभी कुछ स्टैंड के लिए क्वेश्चन आ रहा होगा, ग्रीन नेट को लेके क्वेश्चन आ रहा होगा, और जो आर्टिफिशियल ग्रास है उनको लेके भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जो भी आ रहा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं जब जाऊंगी वहाँ पे तो दीदी के साथ बात करके मैं ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर आप सबके साथ शेयर करूँगी। और इसके लिए क्या खर्च हुआ है, किस तरह से कहाँ से ये सब तैयार किया है, कहाँ से परचेस कर सकते हैं, ये सभी लेके मैं एक डिटेल वीडियो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी बाद में। और यहाँ पे ये देखिए, ये है चांदनी का प्लांट, सिंगल पेटल का है, वैसे डबल पेटल का भी दीदी के पास है। और ये टेरेस गार्डन है तो देखिए, लेकिन कितने अच्छे से ये जो प्लांट है बुशी टाइप का है और बहुत सारे फूल खिला हुआ है। और ये देखिए ऐसा ही एक छोटे से पॉट में है, छोटा प्लांट है लेकिन प्लांट में देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं, और बर्ड्स भी है। तो इस तरह से ये देखिए, और दीदी का जो मंदिर है वो जितने भी गार्डन का फूल होता है उनसे ही सजाते हैं दीदी, और बहुत अच्छे से सजाते हैं, तो मैं ब्लेस्ड हूँ, कभी कभार वो सब देखने को भी मुझे मिल जाता है। तो ढेरों सारे गार्डन का फूल से दीदी अपने मंदिर को सजाते हैं, पूजा करते हैं, दीदी को अच्छा लगता है ये सब करना। और देखिए कितने अच्छे हैं, ढेरों सारे फूल लगे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप भी अपने गार्डन को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो एक आइडिया देने के लिए ही मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर की है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।